देवास जिले के खाते गांव में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश कर आरोपी दलाल सुरेंद्र एवं आरोपी महिला रीना, जिसे लुटेरी दुल्हन का नाम दिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 1,25,000 रुपये नकदी व सोने चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत 50,000 रुपये है, उन्हें जब्त किया है। दरअसल फरियादी रामविलास जाट द्वारा खातेगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसने जिला बैतूल निवासी रीना से शादी की बात पक्की कर 20 जून को नेमावर के एक मंदिर में शादी की थी। रीना के कहने पर रामविलास ने सुरेंद्र को 1,25,000 रुपये नकद दिए थे और रीना को पहनने के लिए सोने चांदी के आभूषण भी दिए थे। दिनांक 13 जुलाई को रात करीब 8:30 बजे रीना बिना बताए आभूषण लेकर बैतूल चली गई। फिर रामविलास ने रीना और सुरेंद्र को बार बार फोन लगाकर बात करने की कोशिश की, जिसके बाद रीना ने रामविलास को घर आने से मना कर दिया और झूठे केस में फंसा देने की धमकी भी दी। इसके बाद रामविलास को पता चला कि रीना ने उससे झूठ बोलकर शादी कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण को विवेचना में लेकर खातेगांव पुलिस द्वारा जालसाज महिला एवं पुरुष की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर गिरफ्तार किया। कौन सा मामला है जिसका आज आप खुलासा करना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे पास एक रामविलास जाट है, बाहर से वर्धा के रहने वाले हैं। उन्होंने एक शादी वो करना थी, तो शादी के लिए उन्होंने प्रयास करके जो है एक रिश्तेदार हैं उनसे बात करके और एक फिर एक बैतूल गए थे। वहाँ पर बैतूल में कोई उन्हें एक सुरेंद्र करके डंडू बंटू नाम है वो मिला था, तो उसने फिर बताया कि मैं आपकी शादी करा दूँगा। और इस तरह से बातचीत करके फिर इनसे जो है पैसों की भी बातचीत हुई। उनसे पहले 1,25,000 रुपये उन्होंने नकद भी दिए और उन्होंने एक लड़की दिखाई, बोली मेरी बहन है और रीना करके नाम था उसका, वहीं बैतूल की रहने वाली है। और दिखा के फिर उन्होंने शादी की थी नेमावर में, शादी की और उसके बाद 5-7 दिन रह के फिर ये आ गया बीच में उसको लेने के लिए और बोला कि मैं भी जो है मेरे हमारी जो ताई जी हैं उनका कोई देहांत मदर वगैरह हो गया है और मेरे को लेके जाना है, तो तुम भी चलो। फिर दोनों उनको लेके और ये रीना जो है इसकी पत्नी और ये दोनों जो है फरियादी रामविलास इसको लेके रास्ते में गया। फिर बीच में इसको बीच में हल्दा के पास आ गई जो है चिचोली के पास, उसको बोला कि तुम मेरा कुछ सामान ले आओ, फिर जो है इसको छोड़ के फिर लेके चला गया। फिर चक्कर हो गया, इसमें जो तलाशता भी रहा, बात भी करता रहा, लेकिन फिर इसके मिले नहीं। इसी पश्चिमी में ये भी आया कि फिर यहाँ पर से आके फिर रिपोर्ट किया और उसमें से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और फिर हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और जिसमें हमारे विनय बघेल हैं और दोबारा रक्षक विजय राजपूत हैं, उनकी टीम इस पर लगी थी और हमारा साइबर सेल की जो मदद से हम पूरा इसको जो है पता करा, पता करके फिर जो है इनको तलाश करके वो लेके आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसमें इनका भी पता लगा है कि ये जो मंटू करके है सुरेंद्र, वहीं का रहने वाला है चोली का, और ये गाड़ी वाली चलाता था जिससे इसकी लड़की से जान पहचान हो गई थी और ये लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है, ये इसके एक बच्चा भी है। इस तरह से जो है इन्होंने उसको फांस लिया कि हम जो है शादी करा देंगे, इसको बताया भी नहीं, इसको अंधेरे में देखा फरियादी को, उससे पैसा भी ले लिया, इसके कुछ आर्नामेंट्स वगैरह भी इसके थे, इसमें मंगलसूत्र भी है, कुछ 200 के टाप्स भी हैं। पुलिस पुलिस इसमें कुछ माल तो बरामद कर लिया है और आगे भी प्रयास करके उसको माल बरामद करेंगे। इस तरह से इस जो है घटना का पर्दाफाश किया गया। घटना में टोटल